Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 10, chapter number 11, and the name of the chapter 11 is construction. I already started the chapter and draw each and every question of the exercise 11.1 with neat and clean construction as well as each construction steps. So if you still not watch that video, so please do watch all that videos first. Now I am going to take question number 1 and onwards from the exercise 11.2. I hope you will enjoy this video. Before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Again, this video is going to be more and more interesting. Why it is interesting? Because such type of question is very interesting to draw. How it is? Next we check. Now please look at the board. Question number 1. Draw a circle of radius 6 cm. It means statement क्या कह रही है कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिस सर्कल की रेडियस क्या होनी चाहिए 6 cm. From a point P 10 cm away from its center. इसका मतलब फिर आपको जो सेंटर ऑफ द सर्कल आपने लिया है उससे 10 cm away एक पॉइंट लेना है आपको. It means वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? आउटसाइड ऑफ द सर्कल, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 cm. तो ये पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल लाइक करेगा. कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट. तो आपको क्या ड्रॉ करनी है? टेंजेंट. ये ऐसे तो आपको ऑलरेडी पता है. टेंजेंट इस क्या होती है कि कोई एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई पास करती है, तो उस सर्कल उस लाइन को क्या कहते हैं? उस सर्कल का टेंजेंट कहते हैं. ये आप ऑलरेडी आपको पता है. आपको ये चीज यहां ड्रॉ करनी है एंड मेजर देयर लेंथ, और उनकी लेंथ को भी मेजर करना है. तो जस्ट मैं आपको सिंपल सा एक डायग्राम बनाता हूँ, रफ सा, फिर आप फेयर डायग्राम बना सकते हो. कि सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है. ये सर्कल ड्रॉ किया आपने, कितनी रेडियस का? 6 सेंटीमीटर का. इसका मतलब यहां से यहां तक की आप बात करते हैं तो यहां से यहां तक है 6 सेंटीमीटर. This one is what? Radius of the circle. अब आपको इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट लेना है. इट मीन्स पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी आप मार्क कर सकते हो. जैसे यहाँ 6 सेंटीमीटर है तो मैं नेचुरली एक पॉइंट आगे मार्क करता हूँ, इसी लाइन को एक्सटेंड करता हूँ. सपोज कर इसी लाइन को मैंने प्रोड्यूस कर दिया. कहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया? 4 सेंटीमीटर तक. सपोज ये 6 है तो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ ये. तो दिस वन इज माय 4 सेंटीमीटर. तो अब दिखाई दे रहा है ये 6 हो गए, ये 4, तो टोटल कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर. अब ये जो पॉइंट है इसको मैं कुछ भी लेट कर सकता हूँ. सपोज ये मेरे सेंटर है तो इसको मैंने ओ लेट कर दिया, इसको मैं पी पॉइंट लेट कर दिया. अब मुझे इस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है. और आपको ये पता है कि किसी भी पॉइंट से जो पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल लाई करता है वहां से ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉ. क्या दोबारा सुनिए कि किसी भी सर्कल पर किसी बाहर पॉइंट से ओनली 2 ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं. यहां पे हम कुछ चेक भी कर सकते हैं. ये आपने सिक्स चैप्टर में ऑलरेडी रीड किया हुआ. तो अब यहां देखिए हमसे इट्स सो सिंपल है. सबसे पहले आपको क्या करना है, ये चीज हो गई. अब जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ओ पी, इसका परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना. परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना आपको आता है कि एक बार कंपास को यहाँ पे रख के हाफ से ज्यादा ओपन करके दोनों साइड आर्क मार्क कर मेंशन करनी है, एक सर्कल ड्रॉ करना है. इसी टाइप से पी पे कंपास को सेट करके विद हाफ से ज्यादा ओपन रेडियस करके आपको आर्क लगानी है जो इन दो पॉइंट पे कट करेगी. फिर आप इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे. यहां से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, इसको नाम देता हूं मैं M. अब जो पॉइंट आपको यहां मिलेगा, यहां से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है. तो यहां से इतनी रेडियस का जो भी पॉइंट आएगा O और M, इतनी रेडियस का आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है. इस सर्कल को बेसिक से डॉटेड ड्रॉ कर सकते हो. सर्कल ड्रॉ कर दिया. अब जिस भी पॉइंट पे कट कर रहा है यहां पे, ये देखो इस पॉइंट को आपको मार्क करना है. ये दोनों पॉइंट मार्क हो जाएंगे तो इन दोनों पॉइंट को इस पी पॉइंट से ज्वाइन कर लीजिए. ऐसे इसको ज्वाइन कर दीजिए.
तो आपको ये जो पॉइंट मैं लेट कर लेता हूँ दैट इज पी, और ये क्यों, सॉरी इसको क्यों लेट कर लेता हूँ, इसको आर। तो यहाँ पी क्यों और पी आर, ये क्या है आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया होगा। इसी को मैं फेयर टाइगर में कैसे कन्वर्ट करता हूँ उसको देखिए, इसी चीज को मैं दोबारा बनाकर दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो क्या लेनी है आपको, 6 सेंटीमीटर का एक कंपास ओपन करिए और एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से, या सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले क्या करिए 6 सेंटीमीटर के बजाय एक 10 सेंटीमीटर की लाइन लीजिए, सपोज दिस इज ओ दिस इज पी, आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली ओ पी 10 सेंटीमीटर, ये पूरी लाइन कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां पे लिख देता हूँ ओ पी, मैंने कितनी लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर। अब मैं ओपन द कंपास करता हूँ और 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। ओ मैंने क्या कंसीडर किया है, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखिए ओ पॉइंट पे रखिए और एक सर्कल ड्रॉ करिए। अब मैं यहां पे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, दिस वन इज माई सर्कल। ये मैंने कितने सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करा है, 6 सेंटीमीटर का। अब आपको इस लाइन का ओपी का क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं, हाफ से ज्यादा ओपन करिए कंपास और 30 सेंटीमीटर की एक रेडियस लेट करके आर्क लगानी है आपको इस लाइन सेगमेंट के दोनों साइड। तो देखिए इस पॉइंट पे रखकर मैं आर्क लगाता हूं, सपोज दिस वन आर्क लगाई मैंने और दिस आर्क, ऐसे ही इस पॉइंट पे रख के भी आर्क लगाता हूं, दोनों आर्क लगा दी, इसको ज्वाइन कर दीजिए डॉटेड लाइन से। यहां थोड़ी सी मार्क कर दीजिएगा अच्छे से, आपने मार्क कर दिया। अब ये जिस भी पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट को मैंने क्या लेफ्ट नाम दे दिया एम। अब आपको ओपन द कंपास करनी है और ओ एम रेडियस ओपन करके आपको सर्कल ड्रॉ करना है, किस पॉइंट से, एम पॉइंट से। तो देखिए मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं यहां से, ठीक है सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने। अब आपको दिखाई दे रहा है ये सर्कल, इस सर्कल को 6 सेंटीमीटर, ये सर्कल कौन सा है जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस सर्कल को इस दो पॉइंट पे कट करता है, इसको मार्क कर लीजिए, कुछ भी नाम देना चाहते हैं, जैसे इसको मैं नाम देता हूँ क्यों और ये नाम देता हूँ मैं आर। अब आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो डार्क कर दीजिएगा, P पॉइंट को R से ज्वाइन कर दो और P पॉइंट को किससे ज्वाइन कर दो Q से। तो हम ज्वाइन कर देते हैं P पॉइंट को Q
आर से ज्वाइन कर लिया, ऐसे ही बी पॉइंट को क्यू से ज्वाइन कर लीजिए। तो अब जो ये रिजल्ट आया हमारा पी क्यू और पी आर, ये हमारी क्या है आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ड्रॉ करना समझ आ गया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, दीज आर द कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, तो आप खुद भी लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, फिर मैंने लिखती हूँ। पहला स्टेप क्या करा था हमने, एक सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया था, तो टेकिंग एनी पॉइंट ओ ऑफ द गिवन सर्कल एज ए सेंटर और ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस। उसके बाद हमने 10 सेंटीमीटर अब एक पॉइंट लोकेट किया था जिसको हमने डायरेक्टली बना लिया था OP करके 10 सेंटीमीटर करके, तो P पॉइंट हमारा क्या था O पॉइंट से 10 सेंटीमीटर अवे था, तो लोकेट ए पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O, फिर उसको ज्वाइन कर दिया हमने OP। स्टेप टू क्या था, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा, बाइसेक्ट OP, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम क्या आया था M, तो उसको लिख दिया M बी द मिड पॉइंट ऑफ द PO, फिर M को सेंटर माना था और MO को रेडियस लेट करके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था, ड्रॉ आ सर्कल, लेट दिस सर्कल इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्कल, तो दोनों सर्कल आपस में एक पॉइंट पे कट कर रहे थे, उन पॉइंट को क्या नाम दिया Q और R, जॉइन PQ और PR को जॉइन कर दो एंड PR एंड PQ आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट, सो दिस वन इज द कंस्ट्रक्शन स्टेप। आई होप आपको समझ आया होगा, तो ये कंस्ट्रक्शन स्टेप आप खुद भी लिख सकते हो, तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 2. Construct a tangent to a circle. आपको एक सर्कल है जिसपे टेंजेंट ड्रॉ करना है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे एक सर्कल होगा जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर होगी और उस सर्कल पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। नेक्स्ट करिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फिर इसका मतलब कहाँ से करना है, एक पॉइंट है जो कौन से सर्कल पे लाई करता है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, और कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर, मतलब एक ही सेंटर से आप दो सर्कल ड्रॉ करो, एक सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर हो और एक सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो जो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं वो तो 4 सेंटीमीटर सर्कल रेडियस पे ड्रॉ करने हैं, लेकिन कहां से ड्रॉ करने हैं वो पॉइंट जो 6 सेंटीमीटर सर्कल पे लाई करता है वहां से ड्रॉ कर सकते हैं। I also verify the measurement by actual calculation से भी उसकी measurement को भी verify करें। It's so simple है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको रफ डायग्राम बनाता हूँ, फिर पेयर बनाएंगे। यहाँ पे आपको दो सर्कल ड्रॉ करने हैं और जिसका एक ही सेंटर, मतलब एक सेंटर लीजिए, सेंटर फिक्स करा, 4 सेंटीमीटर की आर्क ओपन करिए और एक सर्कल ड्रॉ करो। सर्कल ड्रॉ हो गया, अब इसी को सेंटर लेट करना है, अब आर्क अपने जो कंपास है उसको 6 सेंटीमीटर पे सेट करिए, उस रेडियस का एक सर्कल फिर से ड्रॉ करिए, लेकिन सेंटर यही रखना है आपको, तो सर्कल ये आ जाएगा आपका, ये सेकंड सर्कल आ गया। अब क्या करना है आपको, इस सर्कल पर कहीं पर भी एक पॉइंट लेना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसके सामने ले लेता हूँ पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट से, जैसे इस पॉइंट को मैं पी लेट कर लेता हूँ, इस सेंटर को ओ लेट कर लेता हूँ, अब मुझे इस P पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो ये सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और ये सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दिया, फिर इस OP लाइन का सेम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करिए जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, सेम यहां से हाफ से ज्यादा ओपन कंपास करके इतनी सेट सर, उसको O को सेंटर मान के एक रेडियस से आर्क लगाएंगे जो दोनों साइड आर्क हो, ऐसे ही पी पॉइंट पे भी रख के हम दोनों पे कट करेंगे, तो दिस वन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दोगे, ये इस पॉइंट पे कट करेंगे, इस पॉइंट को क्या नाम ले लेते हैं एम, अब ओ एम को एक रेडियस लेट करके और एम को सेंटर लेट करके एक सर्कल ड्रॉ करिए। अब जैसे ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये सर्कल जो है इसको दो पॉइंट पे कट करेगा, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी कट करेगा। अब जिन दो पॉइंट पे कट करा है इसको नाम दे देता हूं मैं क्यू, इसको नाम देता हूं आर, इस पॉइंट को पी पॉइंट को क्यू से ज्वाइन कर दो और इस पॉइंट को आर से ज्वाइन कर दो,
तो अब जो ये है हमें पी क्यू और पी आर मिल गया, ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड टेंस। यहां तक समझ आ गया। फिर इसके बाद हमें इसकी वेरिफिकेशंस भी करनी है, और वेरिफिकेशंस कैसे करेंगे उसके लिए आपको जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे हम इस पॉइंट को ओ पॉइंट को हम क्यू पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं तो नेचुरली आपको ये दिखाई देगा कि ओ क्यू क्या है, ओ क्यू हमारी रेडियस है, और यहाँ पी क्यू क्या दिखाई दे रहा है आपका, पी क्यू हमारा टेंजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वेरिफिकेशन करा देता हूँ, ये कंस्ट्रक्शन थी, मैं दोबारा आपको फेयर ड्रॉ करके दूंगा, पहले हम इसके तरफ कंस्ट्रक्शन से वेरिफिकेशन करते हैं। तो ओ क्यू देखिए, ओ क्यू क्या है, ये सर्कल की रेडियस बन गई, कौन से सर्कल की रेडियस है ये, 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल की, तो ये ओ क्यू रेडियस है, तो इसकी रेडियस की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर। और पी क्यू क्या है हमारा, टेंजेंट है, और यहाँ पे ओ पी, ओ पी क्या है कौन से, देखिए ये ओ पी भी रेडियस की ही है, लेकिन ये रेडियस किसने की है, ये 6 सेंटीमीटर सर्कल की है, दिखाई दे रहा है ये OP क्या है, ये भी रेडियस ही है, सो OP ये भी क्या है, रेडियस है, लेकिन किससे, कौन से सर्कल की, 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक थ्योरम यूज होती है, जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, जो रेडियस होती है इज परपेंडिकुलर होता है ऑन टेंजेंट पे, तो ये आप लिख सकते हो बाय थ्योरम। बाय थ्योरम आपने क्या लिखा कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्लियर है। बाय थ्योरम अब आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रायंगल ओ क्यू पी, तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट, इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, तो इसका मतलब हमारी जो ट्रायंगल बन रही है ये ट्रायंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी क्या है, ये इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हमारी ओ क्यू पी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है, और आपको पता है जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उन दो साइड से कौन कौन सी होती है, एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होती है, और जो थर्ड साइड रह जाती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस से हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तब यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, यहां से समझा गया। अब हमें क्या निकालनी थी, हमें मेजर करनी थी इसकी लेंथ, पी क्यू की लेंथ, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। आई होप आपको दोबारा समझ आ गया होगा, मैं दोबारा से एक बार रिपीट करा देता हूँ क्या है। देखिए सबसे पहले जो आपको ये दिखाई दे रही है ओ क्यू, ये कुछ और समझ ना, ये देखिए ध्यान से, ये तो सर्कल की रेडियस है, तो ये सर्कल कौन सा है, 4 सेंटीमीटर का, इसका मतलब ये जो ओ क्यू है ये हमारी रेडियस है और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। फिर इसको देखो पी क्यू और पी आर, ये हमारे क्या है, टेंजेंट, तो मैंने यहाँ लिख दिया पी क्यू क्या है, टेंजेंट। इसी टाइप से मैं OP को देखता हूँ, देखिए OP को यदि मैं इसको ड्रॉ करना चाहूंगा ऐसे करके, तो ये सर्कल इतना है हमारा, तो ये OP क्या है, ये भी रेडियस ही है, लेकिन सर्कल कौन सा है, ये सर्कल है बाहर वाला सर्कल, इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए जो हमारी ये ट्रायंगल बन गई है OQP, इसके लिए एक थ्योरम यूज होती है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है ऑन टेंजेंट बाय थ्योरम से, तो इसलिए आप कह सकते हो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, तो ये हमारी रेडियस है और ये हमारा टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन गया, 90। और आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जब आप ऐसे बनाते हो तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 90 डिग्री का एंगल जहां बनता है एक साइड बेस होती है और एक साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब इसमें से एक रेडियस और टेंजेंट में से एक बेस है और एक परपेंडिकुलर, तो आपने
किसी को भी यहाँ पे बेस या परपेंडिकुलर लेट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि हाइपोटेन्यूज आपको अलग दिखाई देना चाहिए। बस अब इस पार्ट को मैं रब कर देता हूँ क्योंकि अब इसका कोई रोल नहीं रहा। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। आपने क्या देखा वहां पे ओ क्यू का स्क्वायर, यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बेस एक रेडियस है और एक टेंजेंट है, तो रेडियस को हमने क्या लेट कर दिया था ओ क्यू का स्क्वायर और टेंजेंट हमारा क्या था पी क्यू का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज साइड क्या रह गई थी आपकी ओपी ओपी का स्क्वायर। अब रेडियस, रेडियस से पता है आपको ओ क्यू रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर तो 4 का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, सो एलसीएम रखना पड़ेगा। ओपी ओपी रेडियस है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो पी क्यू का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 16 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20 और पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी अंडर रूट 20। यहां तक समझ आया आपको, तो प्लीज मेक अ नोट। तो ये जो हमारा पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 20 और इसको करोगे तो 4 2 5 आएगा और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 4.47 आंसर आ जाएगा। तो यही चीज आप जब ड्रॉ करेंगे इस ड्रॉ से भी आप ने आपको वेरीफाई कर सकते हो यूजिंग स्केल की हेल्प से। जो आपका टेंजेंट आएगा पी क्यू और पी आर दोनों की वैल्यू सेम आएगी और दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी अराउंड आपको 4.47 के। तो ये था आपका एक्चुअली कैलकुलेशन से, आई होप आपको इसे समझ आई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट। अगेन मैं इसका फेयर डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना था, एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल और 6 सेंटीमीटर का सर्कल लगाना है ऑफ द ऑन द सेम सेंटर पे। तो मैं यहाँ पे कहीं भी एक सेंटर फिक्स कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं 4 सेंटीमीटर का सर्कल लगाता हूं, इसी को सेंटर बनाना है। ठीक है, ये 2 सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने। अब क्या करना था हमें, ये हमारा सेंटर है, ये इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं r इज इक्वल टू क्या है 4 सेंटीमीटर, यहां पे r इज इक्वल टू क्या है 6 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल की रेडियस मेंशन कर दी। अब यहां पे इस सर्कल पर, ये जो सेकंड सर्कल है, इस सर्कल पे कहीं पर भी एक पॉइंट लीजिए, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, कहीं पर भी ले सकते हो। मैं सिंपल सिटी के लिए, मैं सिंपली के लिए मैं इसके बिल्कुल जस्ट सामने ले लेता हूं, ये पॉइंट ले लिया, इसको मैंने लेट किया नाम O, इसको लेट कर लेता हूं P। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करना आता है, हाफ से ज्यादा ओपन कंपास करिए, उसको एक रेडियस मान लिए और पी ओ और पी को एज ए सेंटर मान के 2 बार आर्क लगाइए दोनों साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट के जो आपस में कट करेगी और फिर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। देखिए हाफ से ज्यादा मैंने ओपन करी कंपास और यहां से आर्क लगा देता हूं। ठीक है, ऐसे यहां पर भी पी पे सेंटर रख के इसको भी कट कर देता हूं और इसको भी कट कर देता हूं। अब
अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, टोटल कर दीजिएगा, जिस भी पॉइंट पे कट कर थोड़ा सा उसको मार्क कर दो। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया M। अब क्या करना है, एम ओ या ओ एम को रेडियस सेट करके और M को सेंटर लेट करके इतनी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। इन सर्कल को लाइट ड्रॉ करिए। तो हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये सर्कल जिस भी पॉइंट पे कट कर रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको क्या नाम दे दिया P। ये इस पॉइंट को क्या नाम दिया हमने Q। अब जिन भी दो पॉइंट पे कट कर रहा है उन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए, किस पॉइंट से, P से। तो हम ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर दिया, तो अब सॉरी ये पॉइंट क्या नाम देते हैं, क्यू और आर, क्यू और आर। तो अब ये पी क्यू और पी आर ये क्या बन गया आपका, रिक्वायर्ड टेंशन। क्लियर है? तो ये फेयर डायग्राम आपको अलग से बनाना है। जब आप वेरिफिकेशंस करेंगे तो वेरिफिकेशंस करने के लिए आपको यही डायग्राम दोबारा बनाना है, लेकिन इसको कंपास की हेल्प से मत बनाना। कंपास की हेल्प से बनाना के लिए फेयर डायग्राम कम रहेगा, और वेरिफिकेशन के लिए अलग डायग्राम बना लीजिएगा पेन से, और वहां पे वेरिफिकेशन दोबारा करना। कभी इसी डायग्राम पे आप रेडियस बना के वो करना चाहोगे तो फिर वो गलत होगा, उसकी वेरिफिकेशन के लिए अलग दोबारा से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, स्टेप वन, कंस्ट्रक्शन स्टेप से सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस कितनी थी 4 सेंटीमीटर, विद सेंटर किसको लेट किया, ओ, ऑन द गिवन प्लेन, प्लेन का मतलब है पेपर। सेकंड है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर, फिर आपने एक सर्कल ड्रॉ करा 6 सेंटीमीटर रेडियस का, टेकिंग ओ एज अ सेंटर, ओ को सेंटर बना के लोकेट ए पॉइंट पी, फिर एक पी पॉइंट मार्क करा ऑन दिस सर्कल पे मार्क करा एंड ज्वाइन OP, और OP को ज्वाइन कर दिया। थर्ड स्टेप इज व्हाट, फिर आपने OP को बाइसेक्ट करा, बाइसेक्ट OP, लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ द OP, जो बाइसेक्ट करके जिस पॉइंट पे कट करा लाइन को, वो पॉइंट क्या था हमारा M पॉइंट, टेकिंग M एज इट्स सेंटर, M को सेंटर लेट करा और MO एज इट्स रेडियस, और MO को रेडियस लेट करी, ड्रॉ ए सर्कल, हमने एक सर्कल ड्रॉ की, लेट इट इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट ए पॉइंट क्यू एंड आर, वो दो पॉइंट पे कट करता था क्यू एंड आर पे, ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू और पी आर को आपने ज्वाइन करा, पी क्यू पी आर आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट, दैट इज द आंसर। सो प्लीज नोट डाउन योर कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर, तो आपको जो सर्कल है उसको डायमीटर को एक्सटेंड करना है, उन एक्सटेंडेड डायमीटर पे आपको दो पॉइंट चूज करने हैं पी एंड क्यू, तो आप दो पॉइंट मार्क कर लोगे। उसके बाद ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, दोनों के दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए, 7 सेंटीमीटर अवे होने चाहिए फ्रॉम इट्स सेंटर से, ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल, और उस सर्कल पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करने हैं दिस पॉइंट पी एंड क्यू। अब देखिए सो सिंपल है, आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। बस यहाँ पे आपको क्या देखना था, एक सर्कल ड्रॉ करना था जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और दो पॉइंट मार्क करने हैं जो एक्सटेंडेड डायमीटर पे हो, तो इसका कोई यूज नहीं है। तो अगेन मेक अ नोट स्टेटमेंट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रफ डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, फिर फेयर बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, एक सर्कल ड्रॉ करिए ऑफ 3 सेंटीमीटर का, सर्कल ड्रॉ कर लिया आपने, ओपन द कंपास करिए, 3 सेंटीमीटर रेडियस लेट करके एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, इसका सेंटर मान लेता हूँ ये सेंटर है ओ, तो किसी भी एक पॉइंट को ज्वाइन करिए
और इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए लाइन को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। ये एक्सटेंड हो गई। अब इस पॉइंट से 7 सेंटीमीटर यहां पे एक पॉइंट मार्क करिए और यहां पे एक पॉइंट मार्क करिए। एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू। अब आपको क्या करना है, पी और ओ को बाइसेक्ट करना है। तो इसका बाइसेक्ट आपका यहां पे रहेगा, ऐसे ही इस पॉइंट को और ओ क्यू का बाइसेक्ट करेंगे तो इस पॉइंट पर आएगा। इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दीजिए, टी यू, सपोज कर टी यू नाम दे देता हूं इसको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टी ओ इतनी रेडियस के कंपास ओपन करके आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ऐसे करके। ऐसे ही ओ यू इतने सेंटीमीटर के आप करके आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। फिर ये दो पॉइंट देखो, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे, तो ये इस सर्कल पे दिखाई दे रहा है, तो इस पॉइंट को ये पॉइंट रहा, इनको ज्वाइन कर दीजिए। सॉरी कहाँ पे पॉइंट, यस एक टेंजेंट ये आ जाएगा, ऐसे इसको ज्वाइन कर दीजिए, दूसरा पॉइंट यहाँ आएगा। ऐसे ही ये पॉइंट है और इसको ज्वाइन कर दीजिए, यहां से एक सेंटर आएगा और एक यहां से दूसरा सर्कल कट करता है यहां पे। ये भी एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना, मैं इसको दोबारा से फेयर डायग्राम बना दिखाता हूं। करना क्या है आपको, ये स्टेप करना है, क्लियर हो गया। और फेयर डायग्राम में आपको ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा, इसको बेटर वे से आप समझ पाओगे। तो प्लीज मैं कहूं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर का। तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया 3 सेंटीमीटर का। अब आपको इस का डायमीटर ड्रॉ करना है। डायमीटर ड्रॉ करने के लिए कैसे करोगे, बिल्कुल इसके सामने एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। इन दोनों पॉइंटों पे सर्कल स्केल रखिए और स्केल को एक्सटेंड कर दीजिए, तो आपको ऐसी लाइन दिखाई देगी। या इसका एक दूसरा तरीका भी है जो शॉर्टकट तरीका, या आप कह सकते हो एक चोरी तरीका कि आप एग्जामिनर को बेवकूफ बनाओ। कैसे करो, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क करिए और वहां पे रख के एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ये काफी इजी हो जाएगा। क्या, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए कितनी मर्जी बड़ी, वहां पे एक पॉइंट मार्क करिए और उस पर 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, तो आपको डायमीटर मिल जाएगा, सेंटर मिल गया आपको। इसको नाम दे देता हूं जैसे मैं ओ। अब नेचुरली पता है ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल है, तो ये तो 3 सेंटीमीटर की होगी और हमें इस सर्कल से 7 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट लेना है। तो नेचुरली ये 3 सेंटीमीटर की है तो 4 सेंटीमीटर यहाँ कहीं आएगा, ऐसे ये 3 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर यहाँ कहीं आएगा। इस पॉइंट का नाम पी है, इस पॉइंट का नाम क्या है क्यों, दोनों पॉइंट पार कर दिए। अब दोनों का हाफ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपको आता ही है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट पे आर्क रखेंगे पी पे और दोनों साइड का पास से आर्क लगाएंगे, ऐसे ही यहां पे रख के फिर इसको कट करेंगे, कट कर दिया। ऐसे यहां से रख के इसका भी हाफ करना है आपको, इसी पॉइंट पे रख के यहां से भी आर्क लगाइए, ऐसे इस क्यूब पॉइंट पे भी रखिए और इस पे भी आर्क लगाइए। दोनों जगह पे आर्क मार्क कर दी,
दोनों को मीट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाइए, ऐसे इसको भी ज्वाइन कर लिए। दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। अब जिस भी पॉइंट पे मार्क किया इसको नाम दे देते हैं, सपोज मैं इसको टी नाम दे देता हूँ, इसको यू नाम दे देता हूँ। अब टी ओ इतने सेंटीमीटर की आपको रेडियस लेट करके और टी को सेंटर बना के आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें देखिए इसको इतने सेंटीमीटर के आप आर्क ओपन करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करते हैं, ये ओपन कर दिया और ये सर्कल हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी एस पॉइंट यू पॉइंट पे रखते हुए इतना ही सर्कल आपको यहां से ड्रॉ करना है। दोनों सर्कल ड्रॉ हो गए, अब इनको ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करेंगे, यहां पे पॉइंट दिखाई दे रहा है, इनको मार्क करिए। इनको मार्क कर दिया, अब ज्वाइन करिए। सबसे पहले ये पॉइंट पी था हमारा, ये पॉइंट सॉरी, अब ज्वाइन करिए इसको इससे। क्यों हो गया ऐसे, इसको इसको ज्वाइन करिए, तो टेंजेंट हो गए। ऐसे ही इस पॉइंट को ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करिए, तो ये आपके क्या हो गए रिक्वायर्ड टेंजेंट। इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं जैसे नाम दे देता हूं इसको कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, वी वाई, और इसको नाम दे देता हूं डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो अब यहां थोड़े से नाम में ध्यान रखिएगा ताकि उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखवा दूंगा आपको। तो दिस इज द फाइनल कंस्ट्रक्शन, सो प्लीज ड्रॉ इट नीट एंड क्लीन। कोशिश तो ये करिए कि जो सर्कल जहां पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है उनको डार्क करना होता है, तो उनके लिए लाइट पेंसिल ना यूज करके डार्क पेंसिल यूज करो। जो सर्कल ड्रॉ करते हो उनके लिए लाइट पेंसिल यूज करो ताकि आपको इस सारी जगह सर्कल सर्कल ना दिखाई दे, थोड़े थोड़े से लाइट दिखाई दे। तो प्लीज मेक अ नाउ, नाउ लुक एट द बोर्ड एंड नोट डाउन द कंस्ट्रक्शन स्टेप। पहला स्टेप क्या था, टेकिंग हमने एनी पॉइंट ओ ऑन द गिवन प्लेन, हमने पेपर पर एक पॉइंट पी लिया एज ए सेंटर बनाया उसको एंड ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस, और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया 3 सेंटीमीटर रेडियस का। सेकेंड स्टेप क्या था, हमने टेक वन ऑफ इट्स डायमीटर, उसको डायमीटर को लिया PQ एंड एक्सटेंड इट ऑन द बोथ साइड, और उस डायमीटर को दोनों साइड एक्सटेंड कर दिया। लोकेट टू पॉइंट्स ऑन दिस, फिर हमने दो पॉइंट लोकेट करे, कौन कौन सा, हमने एक वहां पे नाम दिया P और एक यहाँ पे S, मैंने यहाँ पे RS कर दिया, तो यहाँ पे आप PQ कर सकते हो, OP और OS, यहाँ पे हमने P OP और Q, P और Q थे ना, OP एंड OQ कितने सेंटीमीटर के हो गए थे, 7 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया था, फिर जो हमारा क्या था OP और OQ उसको बाइसेक्ट करा था, तो मैं चेंज कर देता हूँ, OP और OQ को हमने क्या किया था, बाइसेक्ट किया था। जो पॉइंट किस किस पे कट कर रहे थे, T और U पे, तो T एंड द U बी द मिड पॉइंट ऑफ द OP एंड OQ, दोनों के मिड पॉइंट थे। उसके बाद टेकिंग टी और यू को हमने सेंटर बनाया था और टी ओ को और यू ओ को रेडियस बना के दो सर्कल ड्रॉ किए थे। दीज टू सर्कल्स विल इंटरसेक्ट द सर्कल, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते थे किस पॉइंट पर, वी डब्ल्यू एक्स वाई हमने नाम दिया था रिस्पेक्टिवली, ज्वाइन कर दिया आर बी सॉरी पी और यहां क्यों कर दो, join PB, PW, QX, QY, these are the required tangent। ये हमारा क्या हो गया, construction steps।
So please note it down. Now look at the board question number 4. Draw a pair of tangent. हमको pair of tangent draw करनी है to a circle of radius 5 cm. एक circle है आपका 5 cm. वहाँ पे आपको दो tangent draw करनी है. Which are inclined? दोनों की दोनों tangent आपस में कितने degree का angle बनाती हो? 60 degree का. ये question काफी important है. काफी बार exam में आता है. इसलिए मैं इसको one by one step बताऊँगा. आप draw करते जाइएगा. सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है कितने सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का तो सबसे पहले हम एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पे ड्रॉ करता हूं ठीक है तो सबसे पहले आपने क्या करना है एक सर्कल ड्रॉ करना है ऑफ कितने सेंटीमीटर रेडियस का 5 सेंटीमीटर का तो यहां पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया कितने सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर आप उसको ध्यान से देखिएगा ये इसका सेंटर है इसको नाम दे देता हूं मैं ओ अब यहां पे इस पूरे सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी एक पॉइंट लीजिए जैसे मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं बिल्कुल इसके सामने ले लेता हूं लेकिन आप पे डिपेंड करता है आप यहां भी ले सकते हो यहां भी कहीं भी पॉइंट ले सकते हो जो भी आपने पॉइंट लिया है उस पॉइंट को जॉइन कर दीजिए जो जॉइन कर दिया आपने अब आपको क्या करना है ध्यान रखिए यहां पे जितने डिग्री का एंगल है यहां पे कितने डिग्री का एंगल है 60 जितने भी डिग्री का एंगल आपका दोनों टेंजेंट के बीच में बनाना चाहते हो उसका डबल एंगल आपको यहां बनाना है यहां पे 60 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हो तो यहां पे आपको कितने डिग्री का बनाना है 180 माइनस 60 मतलब इसको जो भी एंगल आप सेंटर पे बनाओगे ओ पे बनाना है उसको 180 माइनस जो भी दिया हो उतने डिग्री का एंगल आपको कहां पर बनाना है आपको ओ पॉइंट पर यदि यहां पे 50 डिग्री का दिया जाता तो आपको यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनाना होता 130 का इस चीज को आप याद रखिएगा क्लियर है जितने भी डिग्री का एंगल बनाना है उसको 180 में से माइनस कर दीजिए उतने डिग्री का एंगल यहां बनाइए अब यहां पे हमें दिखाई देता है यहां पे हमें 60 डिग्री का बनाना था तो 180 माइनस 60 कितना हो गया 120 अब आपको यहां पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है 120 डिग्री का एंगल तो इजी होता है कैसे बनाएंगे आर्क ओपन करिए और दो कट लगाने हैं आपको दिस इज 60 डिग्री और फिर एक 60 डिग्री का कट करेंगे तो यस अब ये कितने डिग्री का एंगल आ गया आपका 120 डिग्री का ये पॉइंट अब इसको इससे जॉइन कर दीजिए जॉइन कर दिया आपने तो आपके पास ये पॉइंट आ गया अब इन दोनों पॉइंटों पर आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और जो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती हुई लाइन है जहां भी मीट करेगी वही हमारे दोनों क्या हो जाएंगे टेंजेंट तो इसके लिए मुझे स्टेटमेंट को रब करना होगा तो प्लीज मेक अ नोट आपने नोट कर लिया अब मैं इसको रब कर देता हूं और सभी एंगल आपको कंपास से ही बनाने अब मैं यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूं देखिए ध्यान से 90 डिग्री का एंगल फर्स्ट आर्क यहां पे लगेगी फर्स्ट कट सेकंड थर्ड और फोर्थ ऐसे यहां पे भी आपको लगानी है यहां पे भी बनाइए यहां से लेके फर्स्ट कट फिर यहां से सेकंड कट फिर थर्ड कट और फिर यहां पे रख के आपका फोर्थ कट 90 डिग्री का बनाना आता है दोनों साइड 90 डिग्री का बनाइए अब आप इसको इसको ज्वाइन करोगे ये पॉइंट तो आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा ऐसे इसको ज्वाइन करिए यहां बिल्कुल सेम आपको इस टाइप से दिखाई देगा ये थोड़ा सा बेंड हो गया ये इस तो आप देखोगे 90 डिग्री के एंगल यहां पे कट करेंगे
तो ये पॉइंट आपका क्या है 60 डिग्री का, ये जो एंगल बनेगा ये एंगल होगा आपका 60 डिग्री का, और ये एंगल कितने डिग्री का है 120, तो ये भी 90 का होगा और ये भी 90। क्लियर? ऐसे क्यों हो गया कि देखिए ये जो हमारा है इसको मैं नाम दे देता हूँ ये P, सॉरी ये पॉइंट P दे देता हूँ, इसको Q नाम दे देता हूँ और इसको R नाम देता हूँ। ऐसा क्यों किया मैंने कि देखिए P Q O R, तो P Q O R है वो क्या बन गया इज अ क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी कि चारों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो यहां देख लीजिए दो एंगल तो 90-90 के हैं, एक एंगल आपका 120 डिग्री का है यही है, और एक एंगल 60 डिग्री का है, तो 90 और 90 180 और 120, 90 और 90 180 और ये 120 और ये टोटल एंगल कितने डिग्री का हो गया 360 डिग्री का। तो क्या ये देखना है कि ये दोनों क्या है आपके टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट है। अब दोनों टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 60, तो इसके सामने वाला एंगल 120 है, तो यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे 130 बनाना होगा, यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा 110, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए आपका 180 और इनका सम तो ऑलरेडी 180 है। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, आपका क्वेश्चन इज करेक्ट। आई होप आपको इस चीज समझ आई होगी, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड कंस्ट्रक्शन स्टेप। पहला स्टेप क्या था, आपको एक सर्कल ड्रॉ किया था आपने 5 सेंटीमीटर का, उसको सेंटर क्या लेट किया था O। सेकंड स्टेप टेक अ पॉइंट R और Q, हमने एक आर एक साइड क्या पॉइंट लिया था Q और एक साइड R, तो R कहां पे लिया था हमने सर्कमफेरेंस पे और उसको जॉइन कर दिया था OR से सेंटर से। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू OA, सॉरी क्या कह रहा हूं, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू OR, तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ आर एट पॉइंट किस पे आर पॉइंट पर, फिर आपने ड्रॉ ए रेडियस ओ आर, ओ आर को ज्वाइन कर दिया मेकिंग एन एंगल ऑफ कितने डिग्री का बनाता हुआ 120 डिग्री का विद ओ आर के साथ। फिर ड्रॉ ए परपेंडिकुलर आपने फिर क्यू पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्या, बोथ द परपेंडिकुलर दोनों के दोनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे करते थे पी पॉइंट पर, इंटरसेक्टेड एट पॉइंट पी। Now PQ PR are the required tangent at angle of 60 degree. तो PQ और PR जो हमारे required tangent हो गए at angle 60 degree. तो ये थे आपकी construction step. I hope आपको समझ आया होगा, तो please make a note. तो हमने question number 4 तक complete कर लिया है इस video में, और next lecture में हम discuss करेंगे next 3 question of the exercise 11.2. So thank you once again for watching my video from starting to the end. So do more and more practice. This type of question is very very easy but required practice. तो आपको practice करनी पड़ेगी, तो ये question काफी easy हो जाएंगे. So thank you once again.